हैप्पी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे। तो आज है 19 नवंबर और ये है एक स्पेशल दिन। मैं एक विमेन एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी कंपनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, इंस्पायरथॉन। तो आज मैं गई थी गूगल फॉर स्टार्टअप्स के एक मीटअप प्रोग्राम में। जस्ट इमेजिन माई लक, सो आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम और मैं आज वहाँ गई थी। उसके बाद आई हैड सम टाइम इन ऑन माई हैंड, तो मैं गई महागुण मॉल और वहाँ जाके मैंने कुछ चीज़ें पिक की। सेलिब्रेशन मोड में थी तो, और मुझे थोड़ा मेकअप का सामान खरीदना था। थोड़ा मुझे मॉल घूमना अच्छा लगता है, अगर आप मेरे चैनल बहुत दिनों से देखते हो तो आपको पता है हाउ मच आई एन्जॉय गोइंग टू अ मॉल एंड एक्सप्लोरिंग थिंग। बट मैं मिनिमलिस्ट हूँ, मैं कम चीज़ें खरीदने की कोशिश करती हूँ, बट समटाइम्स यू नीड थिंग्स लाइक आई नीडेड एन आई लाइनर। आज मैं इवेंट पे गई विदाउट आई लाइनर, विच आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट। तो महागुण मॉल में एक शॉप है जिसका नाम है न्यू यू करके, तो इस शॉप से मैंने खरीदा अपने लिए एक सिंपल सा आई लाइनर। आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड टू मच मनी ऑन इट। तो ये वाला मैंने देखा, जो मैं पिछला आई लाइनर मेबलिन का यूज़ कर रही थी उससे ज़्यादा डेप्थ था इसके कलर में। तो दिस इज़ द आई लाइनर आई पिक्ड अप। उसके बाद आई पिक्ड अप दिस नेल पेंट, जो कि मैंने लोटस हर्बल के ही उससे कियोस्क से ख़रीदा 150 रुपीज़ का, और दिस वन वॉज फॉर 190 रुपीज़। ये मुझे काफ़ी इकोनॉमिकल लगता है और लैक्मे तो एक बचपन से नोन ब्रांड है, तो आई डोंट माइंड। मेरी मम्मी भी लैक्मे ही यूज़ किया करती थी फॉर द वेरी वेरी लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन हर लाइफ, तो हाँ मेरे को उस पर भरोसा है। सो आई गो फॉर हर्बल और आई डू पिकअप लैक्मे। और एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, ये लोटस हर्बल का लिक्विड लाइनर है। जब मैं इसको यूज़ करूँगी, इसका शॉट्स आपके साथ शेयर करूँगी, उसका लिंक आपको ऊपर आई में मिल जाएगा, जस्ट टू चेक आउट हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। ये बहुत ही ग्लिटरी ग्लॉसी लग रहा था और ये कितने का दिया, 300 समथिंग का दिया उन्होंने मुझे, 375 रुपीज़। सो दिस इज़ द 375 रुपीज़ का प्रोडक्ट। एंड मेरे को अब क्योंकि विंटर्स आ गए हैं एंड आई नीड अ मॉइस्चराइज़र, और इससे ज़्यादा बेहतरीन कुछ नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको अपने चैनल पे पहले भी बताया हुआ है कि मुझे ये क्यों इतना पसंद है। आई जस्ट लव दिस मॉइस्चराइज़र फ्रॉम बायोटिक। जब से मुझे मिला है आई फॉलन इन लव, और वो भी एक सैम्पल मिला था एंड आई जस्ट फेल इन लव विथ इट। सो ये 220 रुपये का और दिस विल लास्ट मी द होल ऑफ द विंटर्स। यूजली एवरी विंटर आई पिकअप वन बॉटल, नवंबर आई पिकअप एंड फेब्रवरी तक ये चलता है, मेरा चल जाता है। मेरा ऑयली स्किन है सो आई डोंट नीड लॉट्स ऑफ मॉइस्चराइजेशन, बट यार थोड़ा बहुत तो सभी को ज़रूरत होती है। सो ये थोड़े कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इसके रिव्यूज़ या तो पहले से हैं चैनल पे, या एक दो चीज़ें जो मैंने नई पिक की है, जैसे कि वो आई लाइनर, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। आई जस्ट यूज़ इट एंड टेल यू गाइज अबाउट इट। अराउंड 375 रुपीज़। एंड देन वहाँ पे एक ये था MOD मैड अबाउट डोनट्स, और इसका जो वो डोनट होता है ना वाइट चॉकलेट वाला, दैट्स माय फेवरेट। आई कांट लाइक मैं फास्ट फूड खाना बंद कर चुकी हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन ये इसको देख के मुझे रहा नहीं जाता जस्ट बिकॉज ऑफ वाइट चॉकलेट। डार्क चॉकलेट कॉफ़ी वगैरह आई डोंट टेक, बट दिस वाइट चॉकलेट दिस इज टू डाई फॉर, बहुत ही यम होता है एंड आई जस्ट लव इट। तो मैंने ये पिक किया, इट वॉज 115 समथिंग आई गेस, 100-150 रुपये का होता है। तो दिस इज नॉट, ये मैं पूरा एक बार में नहीं खाने वाली, आई वांट टू टेक माई स्वीट टाइम। 114 रुपये का है, सो दैट इज समथिंग आई पिक्ड अप लिटिल बिट ऑफ इट। और फिर ये पूरा बास्केट बैग जो है ना, ये बैग खरीदना पड़ता है स्टोर 99, मार्केट 99, ठीक है, मार्केट 99 के और भी हॉल्स आपको चैनल पे मिलेंगे, दिस इज़ वन ऑफ देम। ये महागुण मेट्रो मॉल पे है मार्केट 99, और यहाँ मुझे इस बार इतना खूबसूरत वॉल डिकॉर मिला गाइस, ये इतना ब्यूटीफुल था। आई वांटेड समथिंग लाइक दिस, मैं सोच रही थी अमेजोन से मंगाऊंगी, फिर मुझे ये याद दिख गया जो आई पिक्ड इट, एंड मुझे एकदम परफेक्टली पता है कि इस जगह मैं इसको लगाने जा रही हूँ। वीडियो ख़त्म करते ही मैं वहाँ लगाऊंगी और मैं आपके लिए एक शॉर्ट्स बना दूंगी। और ये वहाँ पे इतना बड़ा डेकोर था 129 रुपीज़ का,
बहुत ही ऐसे बहुत सारे थे बटरफ्लाईज एंड ऑल दैट, मुझे ये बहुत पसंद आया. सो आई एम लाइक यूजिंग इट. ब्यूटीफुल है हनी आई कैन सी. तो और ये 3D है, लाइक दे आर डबल लेयर्स टू इट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मैंने स्टोर 99 मार्केट 99 से पिक करी. आप ट्राई आउट कर सकते हो वहाँ जाके, बहुत ही सुंदर वॉल डेकल्स है. फिर मैंने एक ये सैशे ट्राई किया, ये एक बार मैंने सरोजनी नगर से खरीदा था, इसी टाइप का. मेरे हस्बैंड के साथ मैंने सरोजनी नगर गई थी, कार फ्रेशनर टाइप का. तो मैंने सोचा इसको लेट्स गिव इट अ शॉट. ये 60 rupees का था. दिस वी आर गोइंग टू हैंग इन आवर कार. तो देखते हैं इसका कैसा आता है. पिछला वाला बहुत अच्छा था जो पाउच हमने खरीदा था सरोजनी नगर से, शायद किसी और ब्रांड का था. ये काफ़ी इन ब्रांड है इस करके ना. सो वी आर गोइंग टू ट्राई दिस आउट एंड सी हाउ इट इज. उसके साथ ही साथ एज ऑलवेज वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन हुक्स, ये जो होती है ना एडहेसिव हुक्स वगैरह की अवेलेबिलिटी होती है. सो आई पिक सम फ्रॉम देयर. सम अमेजॉन लिंक्स आर ऑल्सो देयर, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आप ये तो अगर आप अपने लिए खरीदना चाहते हो, ये इतना यूटिलाइजेबल थिंग है ना कि मतलब तो किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. मैं बहुत यूज़ करती रहती हूँ. ज़्यादातर ये टिके रहते नहीं है काफ़ी दिनों के लिए, बट ज़रूरत पड़ती रहती है. और प्लास्टिक के थे तो आई जस्ट पिक देम अप. इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकती हूँ मैं. मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, जैसे अलमारी में लगा सकते हैं, डेकोरेशन सजा सकते हैं, मेमो स्प्रेड कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ. जैसे मैंने दिवाली डेकोरेशन भी इससे ही किया था. तो ये मैंने ख़रीदा 89 rupees का और ये 60 rupees का, राइट. उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ना हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए. तो मैं इजीली हेयर स्ट्रेटनिंग का एक मेरा सीक्रेट तरीका है, उससे मैं सीधे ही कोम से ही स्ट्रेट कर लेती हूँ. मैं सोच रही थी अगर मुझे थोड़ा वेवी बनाने हो अपने बाल, तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि एक सस्ता सा 99 rupees का ये ले लिया है टू एड सम वॉल्यूम टू माई हेयर. जब मैं उसको ड्राई कर रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी इससे थोड़ा स्टाइलिंग करने का, जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन के लिए. 99 rupees का ये हेयर कॉम्ब खरीदा मैंने. और एक लास्ट चीज़ खरीदी है, दिस पेयर ऑफ स्लीपर्स. समबडी वॉज सेइंग टू मी कि सैटरडे को चप्पल नहीं खरीदनी चाहिए. मैंने कहीं नहीं सुना है कि सैटरडे को चप्पल नहीं खरीदनी चाहिए. मे बी रबर नहीं खरीदना चाहिए. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट लाइक वी नीडेड समथिंग तो आई जस्ट गॉट इट. सो दैट्स द नेक्स्ट थिंग आई पिक्ड अप. और मुझे ये काफ़ी कंफर्टेबल लगे रबड़ के चप्पल, और दिस वॉज लाइक 199 200 rupees के. अच्छे हैं, नॉट बैड. तो बहुत अच्छे भी नहीं है, थोड़ा ना कैसा एग्जैक्टली रबड़ नहीं, थोड़ा सा रेक्सीन मिक्स लग रहा है. तो दैट्स द, तो ये चप्पल खरीदे मैंने. एंड ये बैग का भी वो लोग कॉस्ट ऐड करते हैं, आई थिंक 10 rupees कुछ बैग का कॉस्ट ऐड करते हैं, 10 rupees. तो 10 rupees का ये बैग, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था जाके खरीदने का. और मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है. वेल, ये बैग मुझे मेरी सिस्टर ने दिया था INA दिल्ली हार्ट से खरीद के. तो दिस इज़ वेरी प्रेशियस बैग टू मी. ये मेरे एक रिलेटिव ने ना अपने घर ले गए थे, एंड दे पुट इट इन सीमेंट में डाल के एकदम गंदा करके फेंक दिया था. तो मैंने फिर वहाँ से निकाल के और उसको ड्राई क्लीन करा के दोबारा से गिव इट द लाइफ बैक, बिकॉज माई सिस्टर हैड गिवन इट टू मी. तो ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था. तो और उसके बाद ये प्यारा सा, दिस इज जस्ट सो अडोरेबल. ऐसे वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज हैं गाइस. ये मेरे भोलू का रिमाइंड कराता है, मेरे पपी डॉग का, जो अब नहीं है, इज नो मोर विथ मी, बट इट्स जस्ट लाइक हिम इन टेक्सचर एंड द सॉफ्ट है. और ये मैंने जब ख़रीदा था तो ये 699 का पड़ा था मुझे. क्यूटी पाई 699 का पड़ा था मुझे, एंड अभी मैंने वहाँ पे देखा तो 750 something का था. यानी कि इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मैंने इसको अप्रैल में ख़रीदा था और अभी हो गया है नवंबर, तो काफ़ी सारे दिन हो गए हैं. इट्स सच अ नाइस थिंग टू स्नगल एंड इन्जॉय. सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम देयर. यही था छोटा सा एक हॉल,
प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि इस चैनल में मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती हूँ। और वो जो एक्साइटिंग न्यू अपडेट है ना गूगल फॉर स्टार्टअप्स वाला, उसका वीडियो तो अलग से बनता है, उसका वीडियो मैं आपको अलग से दिखाऊंगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। और सारे प्रोडक्ट्स के जो भी लिंक्स वगैरह मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाके ज़रूर ट्राई आउट करना और मुझे भी बताना हाउ डू यू फील अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जब तक अगली बार नहीं मिलते, बाय फ्रॉम मी एंड भोलाराम। भोलाराम इज गोइंग टू बी ऑलवेज देयर विद मी। और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आई रियली वांटेड टू शो यू द ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग टुडे। ये ड्रेस ना मैंने अमेज़न से खरीदी है और मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी ये ना थोड़ी सी डीप नेक है एंड एवरीथिंग, बट मैंने इसको ऊपर से श्रंक्स के साथ पैर करके पहना है, तो इट्स नॉट अ बिग इशू, तो अच्छा ही लग रहा है। तो आई रियली लाइक दैट ड्रेस। मेरे पास एक और श्रंक है। तो दिस वॉज माई अपडेट फॉर टुडे। जब तक अगली बार नहीं मिलते, तब तक लिए बाय। दिस इज मिताली सेइंग बाय बाय। गॉड ब्लेस यू माय डार्लिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।